ये प्लास्टिक एक्चुअली एक धरती का दुश्मन है कि अपना ये जवाई एरिया बहुत ही अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है और अच्छे लोग घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बहुत घूमने आ रहे हैं और खाया पिया मौज किया और कचरा यहीं डाल के दे रहे हैं, ये फैला के जा रहे हैं। गांव का तो कचरा फैल ही रहा है, शहर का फैल ही रहा है, साथ में ये भी बाहर का लाके फैला के यानी कि उसको और ज्यादा बढ़ा के जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने डिसीजन लिया सर कि इस प्लास्टिक को घर डोर टू डोर कैसे कलेक्ट किया जाए, घर घर जाके लोगों को कैसे समझाया जाए। तो हमने कुछ अमाउंट रखा 25 रुपीज पर केजी, इसमें लोगों को समझाना किया कि आपके घर से निकलने वाला चिप्स शैम्पू दूध का थैली सिंगल यूज प्लास्टिक कैसा भी पॉलिथिन हो वो आप कलेक्ट करके मेरे पास लेके आइए, बदले में कुछ पैसा लेके जाइए। हर कहीं पे भी जाइएगा, सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि कोई भी सोशल मीडिया पे रील रहता है नेचर लवर, कोई नेचर लवर नहीं है सर, सिर्फ ये एक सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में सिर्फ अपनी रील बनाता है। नेचर लवर कब होता है, जब वो वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें नहीं लेके जाएगा, माउंटेन पे जाइए वहाँ मैगी बना रहा है और कचरा करके आ रहा है, कोई ड्रिंक करके आ रहा है, ये नेचर लवर थोड़ी हुआ सर। कोई आगे वाला करता है तो उसको भी उसके खिलाफ की जाए, उसको समझाया जाए, लेकिन सब नेचर लवर एक जैसे भी नहीं होते, कोई अपनी प्रक्रिया भी जारी रखते है। लेकिन प्लास्टिक सर एक ऐसा चीज हो गया है कि ये बढ़ ही रहा है। Hello and welcome everyone to Planet vs. Plastics podcast series brought to you by Aadya Network India. I'm your host, Rumit Walia, for this insightful journey into a world free from plastic pollution. In today's episode, we have our Litter Free India champion, who is also a chai wala against the plastic pollution. So please welcome Mr. Kana Ram Mewara from Pali, Rajasthan, who will speak about how he started an amazing initiative in his village. But before we dive in, here's a quick reminder. The views expressed here are for general informational purposes and we encourage you to do your own research. We're here to spark ideas, inspire change and navigate the complexities of plastic pollution. तो काना जी स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जो हम बहुत ही अलग अलग तरीके के लोगों के साथ कर रहे हैं लेकिन प्लास्टिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारा पहला सवाल कि ये चीज शुरू कैसे हुई, एक कांजी चाय वाला के नाम से फेमस आपकी दुकान, आपका काम, और आपने प्लास्टिक लेना शुरू कर दिया बजाय पैसे के और लोगों को सामान देना शुरू कर दिया, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? जी नमस्कार अर्थडे टीम का और स्वागत है आप सबका। जी ये प्लास्टिक एक्चुअली एक धरती का दुश्मन है। जी मुझे इस प्लास्टिक को इंस्पायर किया है जैसे कि दिलीप जी जैन है जो कि जेड फाउंडेशन के ऑनर है, और उन्होंने मुझे इस चीज को लेकर मोटिवेट किया कि अपना ये जवाई एरिया बहुत ही अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है और अच्छे लोग घूमने आते हैं, गांव है, सुंदर गांव है, गांव खत्म हो रहा है। मैंने कहा सर कैसे, क्योंकि तो यहाँ बाहर के लोग बहुत घूमने आ रहे हैं और खाया पिया मौज किया और कचरा यहीं डाल के दे रहे हैं, ये फैला के जा रहे हैं। गांव का तो कचरा फैल ही रहा है, शहर का फैल ही रहा है, साथ में ये भी बाहर का ला के फैला के यानी कि उसको और ज्यादा बढ़ा के जा रहे हैं। मैंने कहा क्या किया जाए, तो इस प्लास्टिक को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे इस पर कुछ स्टोरी बनाई जाए, कैसे इसको समझा जाए, उस पर कुछ हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने डिसीजन लिया सर कि इस प्लास्टिक को घर डोर टू डोर कैसे कलेक्ट किया जाए, घर घर जाके लोगों को कैसे समझाया जाए। तो हमने कुछ अमाउंट रखा 25 रुपीज पर केजी, जिसमें लोगों को समझाना किया कि आपके घर से निकलने वाला चिप्स शैम्पू दूध का थैली सिंगल यूज प्लास्टिक कैसा भी पॉलिथिन हो वो आप कलेक्ट करके मेरे पास लेके आइए, बदले में कुछ पैसा लेके जाइए। तो मुझे 4-6 महीने लगे सर मैक्सिमम इसको कलेक्ट करने में, लोगों को समझाने की कि सर ये कचरा है। लोगों की थ्योरी में अभी भी माइंड अपसेट में ये कचरा है कि घर का कचरा हम उठा के क्यों काना जी की दुकान पे देने जाए, ये उनको धीरे धीरे लगने लगा और वो बहुत थोड़ा मोटिवेट नहीं, मैं खुद एकदम डिस्टर्ब हो गया था कि सर ये तो कुछ लाके नहीं दे रहे, क्या कर रहे। सर ने पूरा भार मेरे ऊपर दे दिया दिलीप सर ने कि तुम्हारे को जैसा लगे तुम करो, मुझे तो प्लास्टिक चाहिए और लोगों को समझाना है, आप कैसे कर सकते हो आपके आइडिया से करो। मैंने कहा फिर मुझे लगा कि सबसे ज्यादा घर में यूज होती है चीनी, तो मैंने आइडिया लगाया सर दो चीज पे कि आप 1 किलो आपके घर का प्लास्टिक वेस्ट लाके दीजिए, बदले में लेके जाइए चीनी। तो महिलाओं को ये चीजें सबसे ज्यादा इंस्पायर लगी और उनको लगा कि अरे वाह कचरे के बदले चीनी मिल रही है। गाँव की 2-4-10 महिलाओं ने धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया और लोगों ने बहुत सारा भर भर के लाके देना शुरू किया, जिसके बदले में मेरी शुरुआत हुई चीनी से। और चीनी के बाद धीरे धीरे मैंने महिलाओं को समझाया कि ये चीनी आपके कितने काम की है, वैसे ये प्लास्टिक को भी आप समझो। कुछ सोशल मीडिया पे मैं उनको वीडियो बताता, कुछ पहले के जमाने की चीजें बताता कि पहले आप घर पे उठ के धरती ये अपने प्रकृति को नमन करते थे, अब आप घर को सफाई करके यही कचरा आप बाहर डाल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको घर को तो स्वच्छ सुंदर रख रहे हो लेकिन आप अपनी धरती को खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं ने मुझे सपोर्ट किया,
उसके बाद मैंने कुछ शुरुआत की गांव के आसपास के स्कूलों में और बच्चों को समझाना। बच्चों को समझाने के लिए वहां जाके तो मैं मोटिवेट कर सकता था, लेकिन बच्चे जब यहाँ तक लेके आते थे तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर मैंने कहा सर बच्चों के लिए तो चॉकलेट टॉफी और ये तो सब वापस प्लास्टिक हो ही जाता है, चिप्स कुरकुरे, और थोड़ा नुकसान भी है, बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहिए। तो सबसे अच्छा मुझे बच्चों के स्टेशनरी सामान का दिमाग में आया, ख्याल आया, जिससे मुझे काफी अच्छा लगा। तो जब बच्चे लाके देते तो मैं उनको पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स या उनके जो भी जरूरत की चीजें होती है, नॉर्मली बिस्किट भी देता हूँ, और कुछ डोनर भी मिले जिनको स्लीपर भी दिया था, और जो भी अच्छी चीजें लगता है उनको, वो चार्ट पेपर बनाने के लिए कलर वलर, तो वो बोलते कि हमें कम प्लास्टिक ज्यादा प्लास्टिक, उससे कोई मुझे वो पर्पज नहीं रहता। लेकिन बच्चे उस चीज को अवेयरनेस के प्रति समझते है, घर वालों को बोलते है कि आप ये बाहर मत फेंकना, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, या मेरी चार पेंसिल आएगी, या मेरे आगे की ये क्लास के लिए ये नोटबुक आएगी, जो कि उनके पेरेंट्स शायद ग्रामीण एरिया से है, नहीं दे पाते पैसे, तो वो इकट्ठा करके बच्चे मेरे पास लाके लेके आते हैं और मैं उनको वो चीजें देता हूँ सर। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब एक छोटे से बदलाव ने आपके समाज के हर एक मतलब एरिया को आपने टैप इन कर लिया, मतलब उसको एक तरीके से जोड़ दिया प्लास्टिक के प्रति। महिलाओं के साथ काम किया, महिलाओं को समझाया, फिर बच्चों को समझाया, बड़े लोगों को आपने गांव में, मैंने देखे आपके सोशल मीडिया पोस्ट कैसे आप डेली उनको आप अपने साथ लगा रहे हैं प्लास्टिक की इस फाइट में। मैं कहूंगा कि हम सारे लोग एक साथ जो है, आप इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसीलिए मेरे को याद आया कि आपको अभी अर्थ डे ने लिटर फ्री इंडिया चैंपियन भी घोषित किया था, जिसका सर्टिफिकेट इनफैक्ट अभी मेरे पास ही है, तो मैं किसी दिन आऊंगा या आपको डिलीवर करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट मतलब हम उन लोगों को दे रहे हैं, वो प्लॉग मैन जो अलग अलग छोटे छोटे एरियाज में प्लास्टिक वेस्ट को, लिटर होने को, कूड़ा इधर उधर फेंकने की इस ये जो आदत लग चुकी है लोगों को, इसको सुधार रहे हैं। पर ये बहुत ही इंस्पायरिंग है जो आप काम, मतलब एक दुकान का सामान कैसे लोगों को जोड़ा जाए कि वो प्लास्टिक घर से बाहर, लोग यही समझते कि हम अगर फेंक दे बस घर साफ हो तो बस हमारा काम हो गया, पर आप जो समझा रहे कि नहीं, घर से बाहर रोड भी साफ होनी चाहिए, हमारी धरती भी साफ होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ के लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा उसी पर होगा आपसे कि आजकल गर्मी इतनी बढ़ रही है, हीट वेव्स आपको पता चल रही है, और अभी 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया दिल्ली में भी, तो राजस्थान में तो और गर्मी है इनफैक्ट। तो अभी आपका जो एक इनिशिएटिव चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आप टैंकर्स ले जाके पानी से तालाब भर रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। हाँ सर, जैसे कि देखिए भगवान का अर्थ क्या है, भूमि, गगन, अग्नि, नीर, वायु, ये अपने शरीर के पांच तत्व है, ये जीवित है तो हम जीवित है, तो हम अपनी भूमि को सर जीवित नहीं रह रहे, नहीं रख रहे, डेवलपमेंट बहुत हो गया है प्रकृति को, जैसे कि बड़े बड़े आपके दिल्ली में, मुंबई में कचरे के पहाड़ बन गए, वैसे मैंने फॉरेस्ट एरिया में जानवर सर विलुप्त हो रहे हैं। समय के हिसाब से सर कुछ खेती होती है तो कीड़ों मकोड़ों का भी आना जरूर रहता है, कुछ पक्षियों का भी जरूर रहता है, कुछ जानवर ऐसी होती है जो कुछ मेडिसिन भी देते हैं तो उनका भी जरूरी रहता है, तो इनका समय समय पे ख्याल रखना भी जरूरी होता है। ये सर प्रकृति के जानवर है, मंकी हो गए सर, इंसान 20 रुपए की बोतल खरीद सकता है लेकिन जानवर किसके पास मांगने को जाए, आप देख सकते हैं कि अभी वो अपने सिटियों में आ रहे हैं, अपने घरों में आ रहे हैं, पानी मांगने को आते हैं या खाने मांगने को आते हैं, तो उनके घर तो अपन ने तोड़ दिए, पूरा डेवलप ही कर दिया है, कहीं होटल बना दिए या कहीं माइनिंग कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गर्मी के दिनों में उनको पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा आसपास के क्षेत्रों से कोई ना कोई भामाशाह पकड़ता हूँ, डोनर पकड़ता हूँ, जिससे मैं उनके सहयोग से वहाँ के पानी के टैंकर पूरे क्षेत्र में मैंने ये फैलाया हुआ है काम है, और पानी उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जो रात को वो आराम से उनको पानी पी के वो उनके घरों की तरफ निकल सके। हम इंसान तो सर पंखे के नीचे बैठ सकते हैं, कूलर के नीचे भी बैठ सकते हैं, हमने झाड़ियाँ भी काट दी आसपास में, खुद के घर काटने के लिए भेड़ बाहर बंदी कर दी है और फेंसिंग कर दिया, बहुत कुछ है, लेकिन उनका ख्याल कौन रखेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा अपने इस जीव जंतुओं का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है सर। ये तो है बात। तो जब आप इन एरियाज में जाते हैं, जैसे आप वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, थोड़ा फॉरेस्ट की तरफ जंगल में जाते हैं, तो क्या वहां भी आपको प्लास्टिक की ये बोतलें और ये सब मिलती है? जी सर, ये हर जगह मिलेगी सर, प्लास्टिक की बोतल भी मिलेगी और सबसे ज्यादा वाइन की बोतल भी मिलेगी, हर कहीं पे भी जाइएगा। सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि कोई भी सोशल मीडिया पे रील देता है नेचर लवर, कोई नेचर लवर नहीं है सर, सिर्फ ये एक सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में सिर्फ अपनी रील बनाता है। नेचर लवर कब होता है, जब वो वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें नहीं लेके जाएगा, माउंटेन पे जाइए, वहाँ मैगी बना रहा है और कचरा करके आ रहा है, कोई ड्रिंक करके आ रहा है,
ये नेचर लवर थोड़ी हुआ सर, कोई आगे वाला करता है तो उसको भी उसकी खिलाफत की जाए, उसको समझाया जाए। हालांकि सब नेचर लवर एक जैसे भी नहीं होते, कोई अपनी प्रक्रिया भी जारी रखते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर एक ऐसा चीज हो गया है कि ये बढ़ ही रहा है। साथ में कहीं भी आया कोई भी वाइन बॉटल को ओपन करके बैठा है, कोई अपनी पार्टी कर रहा है, कोई मैगी पार्टी कर रहा है, एल्टो स्टेशन पे जाएंगे, तो सर इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन है ही नहीं। और मैं लोगों को भी बहुत इंस्पायर, हमारे यहाँ पे लोकल जितने भी सफारी ड्राइवर्स है, जितने भी लोकल सर ये होटलर है, ये हम हमारे गेस्ट को समझाते कि आपका कचरा आप यहाँ लेके आए हो पिकनिक पॉइंट में, लेकिन आप वापिस आपके घर पे लेके जाए, किसी को फेंकने नहीं देते है। ये बहुत ही अच्छी एक पहल है हमारे इस एरिया के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है, बिल्कुल वो नेचर लवर तो नहीं है, मेरे ख्याल से उसको प्लास्टिक लवर कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतना प्लास्टिक वो हर जगह लेकर जा रहे हैं। और इस साल अर्थ डे की थीम भी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है, तो इसका महत्व इतना ज्यादा है इस टाइम। प्लास्टिक हर जगह है, हर पॉडकास्ट में ये बोलता हूँ कि पहाड़ों से लेके जंगल नदियां हर जगह आपको प्लास्टिक मिलेगा। अब इंसान के अंदर भी प्लास्टिक है, बताइए, खून में मिल रहा है, माँ के दूध में मिल रहा है, हर चीज में प्लास्टिक मिल रहा है, तो इसको कम तो जरूर करना होगा। एक मेरा सवाल आपसे और मैं पूछूंगा कि जो प्लास्टिक जैसे महिलाएं या बच्चे जो ला रहे हैं आपके पास, उस प्लास्टिक का फिर क्या होता है, वो कहाँ जाता है? जी सर, इस प्लास्टिक का जैसे कि सर मैंने बहुत कुछ छोटी मोटी चीजें बनाई है, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। जस्ट बेसिकली मैंने ये पिल्लो बनाया है, मैंने और मेरी वाइफ का बहुत इसमें सपोर्ट रहा है, और यहाँ लोगों को मैंने बैठने के लिए, थोड़ा गर्मी के लिए हीट वेव हो जाता है, लेकिन सर्दियों के लिए काफी अच्छा काम है और कम्फर्टेबल है। और कुछ इको ब्रिक बनाए मैंने काफी सारे, और इसके अलावा कुछ एक दो चीजें और भी बनाई है सर, इस टाइप की चीजें बनाई है मैंने, ये देख सकते हैं, ये अपने घरों में आप कहीं पे भी हैंगिंग के लिए या किसको डेकोरेटिव के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ नई नई चीजें भी बनाई है, छोटे मोटे स्कूलों में बोर्ड ब्लैंक बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर बनाए, स्कूलों में भी मैंने दिए थे, तो ऐसी कुछ चीजें बनाई है। ये सब मतलब और के अंदर प्लास्टिक वो वेस्ट भरा हुआ है, और फिर उसको मतलब जी क्लीन प्लास्टिक है और वेस्ट प्लास्टिक को व्यवस्थित भर के मैंने शुरुआत में मैंने इस चीजों के लिए काम किया था। फिर अभी हमने कुछ थोड़ा हमारे डिजर्ट फाउंडेशन एनजीओ के सपोर्ट से हमने रिसाइकल प्लान भी लगवाया है, जिसको अभी थोड़ा हम जल्दी शुरू करने वाले है, और गाँव के लोगों को या बच्चों को इंस्पायर हो ऐसी कुछ चीजें बनाने वाले है, लोगों को दिखाएंगे कि आपके प्लास्टिक से हमने क्या चीज बनाया, और कहीं कहीं हम उनको सही उपयोग लगाएंगे। सबसे ज्यादा यहाँ मुझे लोगों को प्लास्टिक में समझाने में दिक्कत आई कि इससे क्या नुकसान है, यहाँ के लोगों को सर नहीं पता कि मुंबई या दिल्ली में कैसे कचरे के पहाड़ बन गए, नदियाँ खराब हो रही है, जल खराब हो रहा है, यहाँ इंडिया में भारत को गाय की माता माना जाता है तो वो खा रही है। तो उन थीम से मैंने उनको समझाया कि देखो आपका घर का कचरा, आप कितनी चिकनाहट होती है, आप उसको बाहर फेंकते हैं, वो गाय खा रही है, एक तरफ अपने घरे हरी घास डालते हैं, पानी डालते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, और एक तरफ कचरा उनको खिला रहे, ये गलत बात है। तो लोगों ने मुझे, बहुत गांव वालों ने और आसपास के क्षेत्रों ने मुझे सहयोग किया। अभी हाल ही में मैंने कुछ महीनों पहले सर आसपास के 12 गांवों को भी जोड़ा है, जिसमें मैं खुद ही जाता हूँ हर 10-5 दिन में, 15 दिन में, और मैक्सिमम 200-300 किलो 150 किलो प्लास्टिक कलेक्ट करके लेके आता हूँ, और लोगों को समझाते रहता हूँ इसी तरह आप मुझे सहयोग करें और आपके क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सपोर्ट करें। बहुत ही बड़ी ये मुहिम है आपकी कि क्षेत्रों को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए, और इसी के लिए अर्थ डे भी आपको फुल सपोर्ट देगा, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे ये जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, हमारे धार्मिक संस्थाएं होती है, उनको हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो प्लास्टिक फ्री जा रहे हैं, और गाँवों को भी एक विलेज हमारा स्टार अवार्ड है, जो गाँव प्लास्टिक फ्री या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन या जैसे सोलर पावर का यूज कर रहे हैं, तो उनको भी हम सर्टिफिकेट देते हैं। आई थिंक आप जैसे लोगों की और जरूरत है, और आप ऐसे ही बने रहिए, इस मुहिम को बनाए रखिए। एक आखिरी चीज मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा या आपको बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा क्या मैसेज इस पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहते हैं लोगों को, एक शॉर्ट मैसेज जिससे वो समझें कि प्लास्टिक की कितनी बड़ी समस्या है। मैं ये सर कहना चाहता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि 5 रुपए का रेफर है जो चिप्स का, कुरकुरे का, नमकीन का या चॉकलेट का, वो मिडिल क्लास आदमी या गांव का लोग खरीद सकता है, लेकिन लेज का पैकेट है तो वो रिसाइकल बल्ब हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं हो सकता। तो उसके बारे में कुछ कंपनी को या कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी या कुछ वो रिसाइकल प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ पैकिंग निकालना चाहिए जिससे उसका कचरा ज़्यादा नहीं फैले, और बॉटल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, पानी का, बिस्लेरी का, जो भी बॉटल होता है, बहुत सारी कंपनी। अब दिक्कत क्या हो गया, कहीं भी वेडिंग प्लान में भी जाएंगे सर, 200 ml पानी का बॉटल आएगा सर,
1 लीटर का तो आते आते 2 लीटर का आते आते अब 200 और पर मेंबर के हाथ में दो दो तीन तीन बॉटल रहता है सर, ये गलत है एक्चुअली। ये करोड़ों रुपए की शादी कर रहे हैं और सर ये छोटा वापस ये आप अपनी धरती को खराब कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। रही बात सर जैसे जी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गीला कचरा नहीं होता है सर, गीला कचरा इसलिए नहीं होता, थोड़ा बहुत घास फूस रहता है जो यहाँ पे हमारे जी जंगल के सूअर है या हम गायों को खाने के लिए डाल देते हैं। सबसे ज्यादा निकलता है तो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, तो उसको ही हम उस पर काम करते हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा। अभी जैसे कि आपकी सिटी में कचरा गाड़ी आती है, गीला सूखा तो एक कर रही है सर, अलग अलग कर रही है, लेकिन बात वापस वही कि एक ही जगह पे डंप यार्ड में जा रहा है तो वो कचरे का पहाड़ बन रहा है। हमारी मुहिम यही है कि हमने गीला कचरा लिए नहीं, होने दिए ही नहीं, ऑलरेडी सूखा कचरा कलेक्ट किया, जिसको सही समझाया। और मैं भी गवर्नमेंट से भी ये करना चाहूंगा और सबसे कि ऐसी ऐसी मुहिम और अपने अपने क्षेत्रों में बनाए रखे और लोगों को समझाए कि गीले कचरे को और सूखे कचरे को कैसे अलग किया जाता है और इससे क्या क्या कुछ नया बनाया जा सकता है। ये बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, और इसी बात के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कान्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये मैसेज देने के लिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच अर्थ डे टीम एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। आप सबका बहुत बहुत सहयोग बना रहे, धन्यवाद, आभार। जी, और ऑडियंस जो हमें देख रही है उनके लिए ध्यान रखिए, पृथ्वी दिवस सिर्फ 22 अप्रैल को नहीं हर दिन होता है, एवरी डे इज अर्थ डे।